यहाँ पे ये एक सर्किट दिया है जिसमें चार कैपेसिटर है और ये बैटरी है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है और हर कैपेसिटर के अक्रॉस हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस इन स्लो कंडक्शन हो। Find the charge and potential across each capacitor. Okay, ये सवाल कि यहाँ पे हर कैपेसिटर के पे चार लोग के निकाल रहे पोटेंशियल अक्रॉस इच कैपेसिटर, ये क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग इसको एकदम ही एक नया तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से नया एकदम एक्सॉटिक। तो कैसे, तो हम लोग बैक स्टेप सीरीज और बैक स्टेप पैटर्न, ये मेथड हम लोग यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अभी अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो ये कौन सा, ये कितना है 0 वोल्ट, और इसको मैं कुछ एक्स बोल सकता हूँ। तो अब आप देखो ये जो कैपेसिटर है ये 10 और एक्स के बीच में, ये भी 10 और एक्स के बीच में, इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में दोनों पोटेंशियल पॉइंट 10 और x, करेक्ट। ये दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों का सम कितना होगा 3 होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड और 3 के साथ ये दूसरा एक 3 है यहाँ पे, तो उसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, उसको ऐसे रहने दूंगा। और ये 4, तो मैंने बना दिया ऐसा एक डायग्राम, ठीक है, वो बैटरी को आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो इससे मैं आगे गया, ठीक है, अब इससे मैं एक स्टेप और आगे जाऊँ, तो एक स्टेप आगे मतलब कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों किसमें सीरीज में, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा 3/2 C1 C2 by C1 plus C2, है कि नहीं। अगर दो कैपेसिटर है सीरीज में तो C equivalent यानी 1/C1 + 1/C2, ये होगा C1 + C2 by C1 C2, तो C equivalent आप याद कर सकते हैं वो होगा C1 C2 by C1 plus C2, जितनी जो 9 divided by 3 plus 3 6, 9 by 6 is 1.5 यानी 3/2। तो इससे मुझे अगला डायग्राम मिला, यानी ये जो है ऊपर वाला ये कितना है 3/2 माइक्रोफेरेड और नीचे वाला ये कितना है 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं इससे और आगे जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये 3/2 और ये 4, ये दोनों किसमें पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 5.5 यानी 11/2 माइक्रोफेरेड, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा इसके आगे कि ये बन गया ऐसा, ये टोटल 11/2 माइक्रोफेरेड, और इसके अक्रॉस बैटरी दिखा दो आप 10 वोल्ट। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे सी करंट तक आप पहुंचे और आपने उसके अक्रॉस क्या दिखा दिया है बैटरी, ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी। अब ये तो हम लोग ने सारे स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाया और एक एक कैपेसिटर को हमने उसमें उसको ऐड करते गए, ठीक है। अब पीछे जाएंगे यहाँ से, हाँ यहाँ से आप देखोगे बैक स्टेप सीरीज और बैक स्टेप पैरेलल का यूज क्या है, ठीक है, राइट। तो आप समझ में आएगा कि सिर्फ Q इक्वल टू CV यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमें बात कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओके लेट्स सी। सबसे पहले आप यहाँ पे चार्ज निकालो कि ये कितना चार्ज विड्रॉ करेगा, तो आपको पता है ये करेगा सी इक्वल इंटू वी, यानी ये विड्रॉ करेगा आपका 11/2 × 10 μJ यानी 55 μJ विड्रॉ करेगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ से बैक स्टेप जाओगे, यहाँ से आप क्या जाओगे बैक स्टेप, तो ये जो कैपेसिटर है ये पीछे कैसे खुल रहा है वो आपको देखना है। तो ये बैक स्टेप जब जा रहा है तो ये पैरेलल में खुल रहा है, इसलिए खुल रहा है
पैरेलल में, ये पैरेलल में खुल, यहाँ दो बन रहे हैं, तो जब पैरेलल होगा बैक स्टेप में तो वोल्टेज सेम होगा, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस होगा, समझ में? तो यानी इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, तो इस पे चार्ज निकाल सकते हैं आप, तो इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा C into V, यानी 3 by 2 into 10, 30 by 2, यानी 15 माइक्रोकूलम, और इस पे निकाल सकते हैं 10 into 4, 40 माइक्रोकूलम, देखो आपको मिल जाएगा इसका चार्ज, ठीक है? अब आप यहाँ से फिर बैक स्टेप जाओ, तो आप बैक स्टेप जाओगे, ये 4 माइक्रोफैरेड तो जैसे का तैसा है, तो उसका काम खत्म हो गया, और ये जो 3 by 2 है, ये बैक स्टेप में सीरीज में खुल रहा है, ये क्या है बैक स्टेप? सीरीज में खुल रहा है, तो क्या सेम होगा? चार्ज सेम होगा, यानी जो इस पे चार्ज था, इस पे चार्ज कितना है? 15 माइक्रोकूलम, तो बैक स्टेप अगर सीरीज है, तो वहां पे जितने होंगे कैपेसिटर जिसमें ये खुल रहा होगा, वो सब में उतने ही चार्ज होंगे, तो यहाँ भी कितना चार्ज होगा? यहाँ भी होगा चार्ज 15 माइक्रोकूलम, और यहाँ भी होगा 15 माइक्रोकूलम, ठीक है? और ये तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया, इसका एंड हो गया यहाँ पे। अब आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल क्या होगा? Q by C, तो Q by C यानी 15 by 3, यानी कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस में 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है? तो देखो अभी यहाँ से एक और बैक स्टेप लो, तो बैक स्टेप में ये जो है 3 माइक्रो फैरड, ये पीछे खुल रहा है 1 और 2 में पैरेलल है, यानी इस बार बैक स्टेप जो है वो क्या है? पैरेलल, तो क्या सेम होगा? पोटेंशियल, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है कितना है? 5 वोल्ट है, उतना ही पोटेंशियल अब इस दोनों के अक्रॉस होगा, यानी इसके अक्रॉस होगा 5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितना होगा? 5 वोल्ट, समझ में आपको? तो इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज आएगा 5 into 1 यानी 5 माइक्रोकूलम, इस पे 5 into 2 यानी 10 माइक्रोकूलम, तो हम लोगों ने सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज निकाल लिया, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल निकाल लिया, समझ में आया? किस तरह से बैक स्टेप सीरीज और बैक स्टेप पैरेलल कर, जब बैक स्टेप सीरीज होगा तो चार्ज सेम होगा, और आपको क्यू पता होगा, सी पता होगा, उससे आप भी निकाल लोगे, जब बैक स्टेप पैरेलल होगा तो भी सेम होगा, यानी आपको C पता होगा, C तो हमें पता होगा, C मतलब कैपेसिटेंस, तो C पता होगा, B पता होगा, उससे आप Q निकाल लोगे, Q इज इक्वल टू CV, यानी सिर्फ Q इक्वल टू CV यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे ये कितना ही बड़ा प्रश्न राइट सीरीज पैरेलल का, तो वो पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है कि बताओ इस पे कितना चार्ज है, 4 माइक्रोफैरड है, ये देख के पूछ लेगा, तो आप आराम से दो तीन स्टेप लिखो आगे का, फिर पीछे तुरंत आप मिल जाएगा इस पे कितना चार्ज है, ठीक है? दिस कैन बी डन वेरी फास्ट, ओके?